बिजली सार्फिन को फिर जोरदार झटका, शहरियों के मीटर घूम गए। बिजली 1.90 रुपए फी यूनिट महंगी। बिजली मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नेप्रा ने मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से जायद असासा जात केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज फैसला सुनाएंगे। साल 2018 में तहकीकात शुरू की गई। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। शहर में सुरमई बादलों का बसेरा, हवाएं चल पड़ी। आज बारिश के 40% इम्कान। दरिया रावी में इजाफे पानी के पेश नजर रेस्क्यू हाई अलर्ट। रावी पोस्ट पर 15 रेस्क्यू बोट और 50 डाइवर तैनात। विजिटर्स और बोटिंग के शौकीन अफराद को दरिया में जाने से रोक दिया गया। शहर भर के सीवरेज सिस्टम का जिम्मेदार तजुर्बाकार वासा नाकाम। जोहर टाउन शादीवाल चौक पर पड़ने वाला घड़ा 13 रोज बाद भी पूर्ण ना किया गया। ट्रैफिक के मसाइल। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। ट्रिब्यूनल जज हाजी अली अकबर कुरैशी की 30 सितंबर तक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर्म अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी शाया करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में लिखा कि 80% लोग अंग्रेजी से ना आशना हैं, उन्हें इल्म ही नहीं होता कि किन शराइत पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। हुकाम की मुजरिमाना गफलत। एलडीए सिटी में माफिया ने चाइना कटिंग शुरू कर दी। मंसूबे को मॉडल डायरेक्टोरेट बनाने का एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर्स का फार्मूला नाकाम। नोटिफाइड एक्वायर अराजी पर भी छोटे प्लाटों की गैर कानूनी कटिंग जारी। जिम्मेदार अफसरान की नाअहली से स्कीम का हुलिया बिगड़ना शुरू। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो कमी। मार्केट कमेटी की जानिब से गोश्त की सरकारी कीमत 567 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 257 रुपए दर्जन बरकरार। इधर शहर में मनमानी कीमतों पर फलों की फरोख्त जारी। आम 255 रुपए, सेब 350 रुपए किलो तक फरोख्त। परवेज इलाही की नजरबंदी और बाजियाबी के मुतालिक समात। हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। नजरबंदी के खिलाफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी किया गया। आमदन से जायद असासा जात केस का मामला। उस्मान बुजार की 31 जुलाई को फिर तलबी का समन जारी। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आला को 16वीं मरतबा तलब किया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुजार केस 6 माह तक इंक्वायरी सतह पर बरकरार रहेगा। फरहत शहजादी के बच्चों का नाम ECL में शामिल करने का केस। अदालत की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और DG एंटी करप्शन को फरीक बनाने की इजाजत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में समाप्त नोटिस जारी, जवाब तलब। डायरेक्टर एक्साइज फायजा शाह को जुर्माना। शोकास के खिलाफ केस। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत ने फैसले को चैलेंज किया। बगैर हेलमेट सवारों की शामत। सिर्फ हफ्तों में 2,36,000 के खिलाफ कार्रवाई। 60,765 मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद। हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने पर भी चालान। CTO के मुताबिक कोई भी पुलिस अहलकार सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन मुस्तस्ना नहीं। महकमा हायर एजुकेशन ने प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए अहलियत का मायार तब्दील कर दिया। तालीमी काबिलियत के 20 नंबर्स 5 सालों की सालाना खुफिया रिपोर्ट भी देखी जाएगी। उम्मीदवार MPhil तो 3, अगर PhD है तो 7 नंबर्स मिलेंगे। मुहर्रम में आटा चीनी के फ्राहमी यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी जाहद अख्तर जमान का बड़े अफसरान को बड़ा हुक्म। आटा की कीमतों पर फ्लोर मिलों से राबता रखने की हिदायत। इजलास में मुहर्रम के फुल प्रूफ इंतजामात का जायजा लिया। मुहर्रम के जुलूस के रास्ते में तमाम तजावुजात खात्मे का हुक्म।
अशरा मुहर्रमुल हराम का आगाज, सुबह भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज सुबह भर में 101 आजादारी जलूस, 3500 मजालिस मुनाकिद। IG के मुताबिक सुबह भर में सिक्योरिटी के लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात कर दिए। मुहर्रम के दौरान क्याम अम के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। मुहर्रम के शुरू होते ही शहर भर में मजालिस अजा का आगाज। इमाम बारगाह अहल बैत निकलसन रोड पर मजलिस अजा, सैयद इंसार नकवी ने फजाइल और मसाइल बयान किए। मजलिस अजा में अजादार इमाम हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से गर्मी की छुट्टियों में 3 माह की यकमुश्त फीस वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट, एक स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई ना की जा सके। सूबाई वजीर ज़राअत एस एम तनवीर की ज़ेरे सदारत इजलास, आबी ज़खायर बढ़ाने और जीदी आपाशी के निज़ाम पर तबादला ख्याल। बोले काश्तकारों के लिए ज़राए आपाशी को बेहतर बनाकर ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। इजलास में सेक्रेटरी आपाशी वासिफ खुर्शीद के भी शिरकत। रूडा का 2500 एकड़ पर शानदार इंटरटेनमेंट सिटी बनाने का फैसला, गैर मुल्की कंपनियों को शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। मारूफ गैर मुल्की कंपनियों में डिज्नी, यूनिवर्सल और अमरीकानो शामिल। रूडा शहरियों के लिए आलमी तर्ज पर थीम पार्क भी बनाएगा, 300 एकड़ पर जंगल भी बनाया जाएगा। बरतानवी कंपनी के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पंजाब पुलिस और सोसाइटी फॉर ऑडियोलॉजिकल में मुआहदा, IG डॉक्टर उस्मान अनवर और सदर सोसाइटी डॉक्टर अफसल आलिम ने दस्तखत किए। दोनों इदारे मिलकर पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम करेंगे। SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर मॉडल टाउन में खसूसी तकरीब हुई। कांस्टेबल्स को मुद्दत मुलाजमत के मुताबिक शोल्डर ब्रेड्स लगाए गए, जबकि 10 से 20 साल सर्विस वाले कांस्टेबल्स को एक ब्रेड लगाया गया। DIG के मुताबिक कांस्टेबल्स की खिदमात के इतराफ से पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई होगी। शादी का सूट तैयार करके ना देने का मामला, AB ब्राइटर शॉप लिबर्टी के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 18 अगस्त को तलब कर लिया। PITB और PHA के अफसरान का ग्रीन ऐप पर इजलास, दरख्तों की जियो टैगिंग ऐप रेन ग्रीन लाहौर बारे मुशावरा, जबकि तमाम डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अफसरान की शिरकत। PITB ने ऐप में अपग्रेडेशन के हवाले से नई इंस्टॉलेशन की। और पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार कामयाबी, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कार अशरफ का कामयाबी पर खुशी का इजहार। कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा कौमी टीम ने अच्छा खेल पेश किया और कामयाब हुई।